जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा, जन्म जन्म का दास हूँ गुरुदेव तुम्हारा। यदि न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का दास। आइए दरोगा जी, देव पत्रकार जी डूब जाओ, जाना मत, देव तुम सुनो सत्संग, जन्म जन्म अन्य पत्रकारों की नकल छोड़ो, गुरुदेव असल में हुआ कल में। गुरुदेव पत्रकार नेता अगर मिलते इस जीवन, तुम सुनो ध्यान, अगर मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का दास है गुरुदेव, जन्म जन्म का साथ है, वही लोग आते हैं यहाँ गुरुदेव। अन्यथा पोस्टर लगा हुआ तो बहुत लोग पढ़ते हैं, तो सोचते कोई सर्कस का पोस्टर लगा, कोई सर्कस होने जाता, तेरा एक सहारा, वो सोचते ये कोई चीज का एडवर्टाइजमेंट है, तेरा एक सहारा, फूल खिलता है तो भंवरा दूर से चला आता है खुशबू लेने के लिए, लेकिन फूल के पड़ोस में बैठा हुआ गोबड़ौरा वो फूल की खुशबू नहीं लेता है, वो गोबर को ढूंढता हुआ दूर चला जाता है। याद रखना, जो भक्त भंवरे हैं वही गुरु के ज्ञान की सुगंध लेने के लिए आते हैं। बहुत से लोग आपको भी कहेंगे, अरे तुम बार बार क्या जाते हो वहां संगदेव के पास, दस बार जा चुके, फिर जब पूछते बोलते वहां जा रहे, वहां क्या है, उनको बता दिया करो, गोबड़ौरा क्या जाने फूल का आनंद, बस बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बार बार सारी जिंदगी में सब बार बार हो रहा, उसको तुम नहीं रोक रहे हो। लोग शराब बार बार पी रहे हैं, बीड़ी बार बार पी रहे हैं, तंबाकू बार बार खा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा बार बार कर रहे हैं, गाली बार बार दे रहे हैं, बेईमानी बार बार कर रहे हैं, चोरी बार बार कर रहे हैं, सब बार ही बार बार, बार बार भोजन कर रहे हैं, बार बार सो रहे हैं, बार बार जाग रहे हैं, बार बार स्नान कर रहे हैं। तो प्रवचन में गुरु के दर्शन के लिए अगर बार बार आदमी जाता है तभी तो मन निर्मल रहेगा, अन्यथा मन गंदा होगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। और हर रोज का प्रवचन नए अंदाज के साथ होता है, नई ध्वनि और नया ज्ञान, नई चेतना और नए स्टाइल में प्रवचन आता है। ये प्रवचन कोई रटी रटाई भाषा नहीं, ना ताजा माल है। तुम लोग हंसते कम क्यों हो, ये तो बताओ, शर्माते के पूरा मुंह खोल के ही करो। हाँ हंसना जी, इसमें बहुत लोग संकोच में बैठा कि हंस देंगे तो कहीं महात्मा जी नाराज न हो जाए, हंस दोगे तो हम और खुश हो जाएंगे। हाँ हम तो हंसने वाले संत ही हैं, हम अभी तक मंच पर हम रोना धोना कर ही नहीं पाए, हमारी समझ में नहीं आता कि रोने के लिए तो आदमी घर में रोता है, दुकान पर रोता है, सड़क पर रोता है, जिंदगी भर रोता है, पैदा होता तब रोता है, बुढ़ापे में रोता है, बीमार होता तब रोता है, नुकसान होता तब रोता है, कोई डांटता है तो रोता है, रोते ही रोता जिंदगी भर है, तो हंसता कब है। हमारे यहाँ वो हंसाएंगे, बस यहाँ हंसने का प्रोग्राम है, खुशी। तो सुदामा का हाथ थक गया, सुदामा ने कहा कृष्ण इन रानियों का पति कौन है, आप हो ना। बोले हाँ, तो आप आ जाइए, आपको आशीर्वाद दे दूं तो सारी रानियों को आशीर्वाद मिल जाएगा, इनको क्यों लाइन में लगाया है। कृष्ण जाकर हाथ जोड़कर सुदामा के सामने झुक जाते हैं, सुदामा सिर पे हाथ रख देते हैं, एव मस्त
आशीर्वाद सब रानियों को मिल गया। रहीमन सींचे मूल को फूल ही फल ही अगा। भगवान कृष्ण जिनके चरण धो रहे हैं उस व्यक्ति का नाम सुदामा है। भगवान कृष्ण जिनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, अपनी आशीर्वाद रानियों को दिलवा रहे हैं, भगवान कृष्ण जिनको मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं उस व्यक्तित्व का नाम सुदामा है। लोग कहते हैं कि सुदामा बेचारा था, बेचारा नहीं था सुदामा, तो भगवान को भी आशीर्वाद देने वाला एक महान ब्राह्मण था, कोई साधारण नहीं था। ये कोई साधारण था सुदामा, उसका लिख दिया उसमें इतना उसका क्या है दुर्दशा। एक फोटो में डंडा दिया है और खोपड़ी घोट दिया है, चोटियां लगा दिया है और ओढ़ा दिया है सफेद कपड़ा, लंगड़ाता हुआ जा रहा है। भटकते भटकते क्या बात करते हो सुदामा, भटकने वाला आदमी है। भटकता तो ये संसार के लोग भटकते हैं, वो कैसे भटक जाएगा। भटकते भटकते कवियों ने ऐसी रचना कर दी, सुदामा कहीं भटक सकता है, और सुदामा भटक जाएगा तो पूरी दुनिया भटक जाएगी, कोई नहीं बच सकता भटकने से। भटकते भटकते थोड़े आए, उसको पता था कि कहां मिलेंगे भगवान, भटकते बता रहे आया है, फालतू बात लिखते। सुदामा की बेइज्जती करना चाहते हो, नहीं कर सकते है। इतना बड़ा शक्तिशाली सुदामा जिसके पांव भगवान पखार रहे हैं, उसको भटकने की अटकने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना, कौन रोक सकता है। लिखा हुआ है, पढ़ते हैं लोग, गाते हैं लोग, मैं भी गा देता हूं कभी कभी उसको लिखा हुआ, लेकिन सोचता हूं मैं कि सुदामा तो बहुत बड़ी हस्ती है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। जिसके पास धन है वही केवल अमीर नहीं है, जिसके पास भक्ति की संपदा है, धर्म की संपदा है, विचारों की संपदा है, सद्गुण सदाचार की दौलत है, वो सबसे ज्यादा अमीर होता है। क्या बात करते हो तुम, धन तो नाशवान है लेकिन भक्ति अविनाशी है। रावण के पास में बहुत धन था लेकिन राम उसके यहां मेहमान नहीं हुए। शिवरी के पास धन नहीं था लेकिन भक्ति थी, भगवान राम वहां मेहमान बन गए। इसलिए भक्ति को भी दौलत से कम मत समझना, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि धनहीन हो जाओ। मीराबाई जैसी भक्ति करो, महलों में रहो, धनवान भी बनो और सुंदर रथ पर बैठकर चलो, लेकिन भक्ति में डूबे रहो। मैनपुरी के महान भक्त श्री भगवान दास नारायण दास लखनऊ में मिलने के लिए आए दर्शन के लिए। बोले गाड़ी लाया हूं 21 लाख की, इसमें बैठना है। तो मैंने कहा मेरी तो इच्छा यही है कि हमारे भक्त इतने संपन्न हो जाएं, हर रोज एक नई गाड़ी आए, निवास से बैठकर ब्यास गाड़ी पर रोज भगत की गाड़ी में आऊं और वहां तक जाऊं और दूसरे दिन दूसरा भगत ले आए। सब भक्तों की नई गाड़ियां आ जाए और सब भक्तों की गाड़ी में मैं बैठ जाऊं, बस 10 मिनट बैठ लूं। सभी धनवान हो, सभी सुखी हो, सभी महान हो, सबका कल्याण हो। भक्ति बहुत बड़ी दौलत है, इस दौलत को कम मत समझना। अभी हमारे आचार्य दुष्यंत जी बता रहे थे कि ये जब प्रोग्राम यहां हुआ तो लोग संदेह कर रहे थे, अरे उनका कोई चेला वाला दूसरा कोई आया होगा, असंग देव नहीं आए। लेकिन ये मीरा देवी की भक्ति, सत्यम की श्रद्धा, पूर्णिमा की आस्था, राम सुगन यादव का भाव गुरुदेव को खींच कर लाया है।
मैं किसी भी भक्त का, ये तो चाहता हूँ सब भक्त धनवान बने, पर मैं किसी का धन नहीं देखता हूँ, मैं उसका भाव देखता हूँ, और जहाँ भाव मिलता है वहां पर मैं चला जाता हूँ। मैं श्रोता भी नहीं देखता हूँ कि हजार है कि बजार है कि उजार है। हाँ, कहीं के उजार भी रहता, कहीं बजार रहती, कहीं हजार रहता है। मैं 40,000 श्रोताओं में भी सत्संग करता हूं, एक साथ 40,000 बैठते हैं, और 40 श्रोता में भी सत्संग करता हूं, लेकिन सत्संग की क्वालिटी कभी डाउन नहीं होती है। दो श्रोता बैठा हो और ये पाइप खड़े हो खाली, उसी तरह दमादम सत्संग करता हूं। मैं नहीं प्रभावित होता, ये तो जिसका पुण्य होगा वही सत्संग सुनने आएगा, सब थोड़े सुन सकते हैं। ये पापी सब आ जाएंगे तो इनको तारेगा कौन, इतना पचड़ा पुण्य आत्मा ये पुण्य आत्मा ही आ सकती है, जिसने कभी पुण्य किया ही नहीं, ना मंदिर में गया, ना किसी को पानी पिलाया, ना मेहमान का स्वागत किया, ना कभी दान दिया, और ना तो कभी गम खाया, ना कभी किसी से प्रेम निभाया, वो सत्संग को नहीं पा सकता है। सत्संगत की महिमा बड़ी, गाइए राम सुभग जी। सत्संगत की महिमा बड़ी, चेतक है सारा समय, कर लो घड़ी लो घड़ी। मैं गाना नहीं चाहता, क्यों नहीं चाहता, क्योंकि मैं पानी पीना चाहता बड़ी, दूसरा गाएगा लो घड़ी लो घड़ी, मिट जाएगी सब गड़बड़ी, मिट जाएगी सब गड़बड़ी, आई कर लो घड़ी दो घड़ी। सत्संगत की महिमा बड़ी, इशारा की भाषा को समझ लो घड़ी दो, संकेत को समझने की कोशिश करो, आई कर लो घड़ी दो घड़ी, आई कर लो घड़ी दो घड़ी। संकोच भी छोड़िए, ये डर भी छोड़िए, कितने लोग खाम खां डरते रहते। मेरे से एक संत ने पूछा 10 दिन पहले, गुरुदेव मुझे डर क्यों लगता है, तो हमने कहा डर उनको लगता है जो गलती कर चुके हैं, डर उनको लगता है जिनको गलती होने का डर है, उनको डर लगता है, गलती हुई नहीं लेकिन होने का डर है जो हो सकता है, और डर उनको रहता है जिनको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है, अंदाज नहीं है, उनको भी डर लगता है। माइक किसी को पकड़ा दो, कह दो बोलो, तो जब बोलने का अंदाज ही नहीं है तो डर लगेगा। वो सांप पकड़ सकता लेकिन माइक नहीं पकड़ेगा, सांप को तुरंत पकड़ लेगा, सांप से डर नहीं लगता। डर क्यों लग रहा है, इतना डरो मत, डरना चाहिए कहां, शराब पीने से डरो, बुराइयों से डरो, अवगुणों से डरो, दुराचार से डरो, व्यभिचार से डरो, कुकर्म से डरो, आलस्य से डरो, खुराफात से डरो, फालतू बात से डरो। जिससे डरना चाहिए उससे डरते नहीं हो, आलसी बनकर पड़े रहते हो, और जिससे नहीं डरना चाहिए उसमें क्या डर है। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, काम कीजिए, मैं बिहार पहली बार जब गया आज के लगभग 32 वर्ष पहले, तो वहां के संत जिसके यहां गया था उसने कहा क्या मोटरसाइकिल चला लेते हैं, मैंने कहा मैं तो नहीं चला पाता हूं लेकिन चला सकता था,
बोले चला नहीं पाते, चला सकता हूँ। तुमने कहा सकता मतलब कोशिश करूंगा तो चला लूंगा। तो बोले चलना है 60 किलोमीटर। तुमने कहा कोई बात नहीं, पहले मैं सीख लेता हूँ। तो मोटरसाइकिल मंगाई गई, फील्ड थी हवाई अड्डे की, उसमें सीखा जाकर 10 मिनट। फिर लाया, हमने कहा बैठ लो। वहां जब पहुंचे, प्रोग्राम था, ऐसे श्रोता थे। बोले क्या मन संचालन कर लेते हो? तो हमने कहा कर नहीं पाता लेकिन कर सकता हूँ। बोले फिर वही बात, सकता सही बात कह रहा हूं, जब कभी किया नहीं। उस समय मैं प्रवचन नहीं देता था, तो उन्होंने मुझे लगा दिया कि आप मन संचालन करिए। मैंने कहा प्रवचन भी सुनाना है क्या? बोले हाँ थोड़ा सुना दे। तुमने कहा तो आप कमरे में आराम करो तब तक। वो आराम करने चले गए। हमारी हंसने की आदत शुरू से थी बचपन की, हंस हंस के मन संचालन किया और हंस हंस के सुना दिया। फिर वो आए बैठे, उन्होंने सुनाया, समाप्त हुआ प्रवचन। भक्त लोग आ गए, कटिहार जिला के थे, पास में मंच के। बोले ये महात्मा कहाँ से आए, ये छोटे वाले? अरे बोले ये तो उत्तर प्रदेश से आए हैं। बोले इनको बिहार में रख लो, ये आपके साथ शोभा बढ़ाएंगे। तो बोले ये तो पंछी है, चले जाएंगे, रुकने वाले नहीं। तो हमने कहा मैं रुकूंगा तो वास्तव में नहीं, क्योंकि मैं कहीं फंसने वाला हूं नहीं, ना किसी गद्दी में फंसूंगा और ना कहीं रुकूंगा, रहूंगा अपने गुरु के साथ। भंवरा सब फूलों का रस ले लेता है लेकिन वापस लौट कर अपने घर में आ जाता है। याद रखना, कहीं भूलने की जरूरत नहीं, अभ्यास कीजिए। और जितनी ज्यादा आप में कलाएं होंगी, जितने ज्यादा गुण होंगे, जितने ज्यादा हुनर होंगे, उतना ज्यादा तुम्हारी कीमत होगी, तुम्हारा सम्मान भी ज्यादा। जिसको कुछ नहीं मालूम है उसकी कुछ नहीं कीमत, मालूम होना चाहिए।